नारियल के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक ताजे नारियल को छोटे छोटे टुकड़े में कर लिए हैं। उसके हमने पीछे का छिलका निकाल दिया है। आप चाहें तो इसके छिलके रहने दे सकते हैं, पर हमने इसे निकाल दिया है। एक ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें हम नारियल के टुकड़े को डाल देंगे और इसे हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे सभी नारियल के टुकड़े को डाल दिया है। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, ये दरदरा हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने ग्राइंड किया है। ये बहुत जल्दी ग्राइंड हो जाता है, क्योंकि ये ताजे नारियल है तो ये जल्दी ग्राइंड हो जाता है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसे हम भूनेंगे। हमने एक पैन लिया है, पैन में एक टेबल स्पून हमने घी डाला है। घी को हम मेल्ट होने देते हैं और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। लो फ्लेम पे इसे हम 5 मिनट तक भून लेंगे, या थोड़ा सा ये हल्का कलर चेंज हो जाए उतना तक हम इसे भूनेंगे। ये कच्चे नारियल है, इसलिए नीचे से चिपक सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 कप मलाई लिया है, दूध का मलाई। आप चाहे तो दूध भी ले सकते हैं, आपके पास दूध मलाई ना हो तो। यहाँ पे मैं उसे डाल दी हूँ। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हम सुखाएंगे। तो इसे चलाते हुए हमें सुखाना है। हमारे जो नारियल नीचे से जो चिपक गए थे, वो भी अब अच्छे से इसमें मिल जाएंगे। तो ये देखिए, अब ये थोड़ा सा सूख गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे सुखा लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे शक्कर। तो हमने यहाँ पे शक्कर 1/3 कप लिया है। एक नारियल में हमने 1/3 कप शक्कर लिया है। ये परफेक्ट नाप है। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये सूख भी गया है। लेकिन हम इसे थोड़ा सा और सुखा लेंगे, क्योंकि अभी ये गीला दिख रहा है। ये देखिए, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ठंडा होने के बाद ये अच्छे से गोली बन जा रहे हैं। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हाथों में घी लगा के इसके हम लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें हल्के हाथों से लड्डू गोल गोल बना लेना है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने अच्छे लड्डू बने हैं। तो ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे दिवाली पे बनाकर खाएं और अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। ये देखिए, हमने यहाँ पे सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। अब हम थोड़े से पिस्ते से इसे गार्निश कर देते हैं। ये देखिए, ये लड्डू तैयार है अब सर्व करने के लिए। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनता है।